अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा। आप लोग देख रहे हो फातिमा डेली रूटीन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस्लामाबाद की एक बड़ी जगह रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट भी है और आप लोगों ने देखा भी होगा, और जिसने नहीं देखा और सुना होगा तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी सेवर, इस्लामाबाद का सेवर जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये देखो, हम सेवर के अंदर, ये ब्लू एरिया में है, ब्लू एरिया इस्लामाबाद में सेवर के नाम से ये बहुत मशहूर है। इसके बहुत से साल हो गए और मैंने बहुत सी वीडियो में इसको देखा था, मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हो कि हम आके बैठ गए हैं। मैंने कहा कि मैं चेक कर लूँ सेवर को, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हैं। तो मेरी लिहाज से तो सेवर 10 में से मैं इसको सिर्फ 2 नंबर दूंगी। और अब अपनी अपनी पसंद की बात है, जिसने देखी हो उनको पसंद हो तो आप लोग ये देख सकते हो। सफाई बहुत अच्छी है और रश भी बहुत ज़्यादा था। ये 4 हमें रायते मिले थे छोटे छोटे, और ये आप लोग प्याज भी देख सकते हो, 2 टमाटर के स्लाइस है, ये देख, ये खीरा है। और प्याज तो मैं कहती हूँ अच्छी से एक प्याज कर ले, तो वो भी हिस्सा नहीं दिया हमें। और ये देखो, 2 शामी कबाब है, चावल भी आ गए हमारे, और ये हड्डी है नीचे, इसको रोस्ट बना के बोटी का, ये चिकन का। पर ये 2 सिर्फ शामी कबाब, इसमें थोड़ा जायके वाले थे और ना चावल। इसमें चावलों में मैं 10 में से 1% इसको देती हूँ कि इसके नंबर 1 ही है, और सिर्फ इसमें शामी कबाब अच्छे थे और इसमें कोई चीज़ भी अच्छी नहीं थी। इनकी जो सर्व करने का तरीक़ा था, ये हमें दिया, हमने 4 प्लेटें मंगवाए हैं। कहते हैं कि इसमें ये ख़त्म हो जाए तो एक ही डील में आप लोग बार बार चावल मंगवा सकते हो, ना आप लोगों को चिकन की पीस मिलेगी, ना आप लोगों को शामी कबाब मिलेगा, ना आप लोगों को सलाद मिलेगा। सलाद जितना आप लोगों को दिया है एक बंदे के लिए भी काफ़ी नहीं था। जिन चिन्हों की मैं वीडियो देख रही थी और कहते थे कि सेवर बहुत मज़े का है, सेवर बहुत अच्छा है, तो मैं कह रही हूँ कि हो सकता है उन्होंने अपने घरों में या तो मज़े के चावल नहीं खाए होंगे और मज़े की डिशें नहीं खाई होगी, और या उन्होंने ये पहली बार देखा होना। ये 4 प्लेटों के और 2 शामी कबाब, 8 शामी कबाब के 2,244 रुपये हो गए, और इसमें 300 रुपये हमारे, हमसे टैक्स भी ली है। तो जब हमने चावल ख़त्म कर ली तभी हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवाया था पहले से, और हमें बाद में जाके मिला कोल्ड ड्रिंक, हमने ऊपर से पानी की तरह पिया है। और ये अब हम निकल रहे हैं, और ये वो पेमेंट करने गए मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा, और मैं और मेरा छोटा बेटा, ये हम नीचे जा रहे हैं। हमने खा ली, और मेरा बेटा सारे रास्ते पर मुझे कह रहा था कि मम्मा सेवर खा लिया, मेरी मुझे बातें सुना रहा था कि सेवर आपने कहा था कि बड़ा मज़े का होगा, लोग बहुत बातें करते हैं, तो हम किसी और रेस्टोरेंट में जा के खा लेते। मैंने कहा अच्छा हो गया, सेवर भी खा लिया, पता चल गया कि क्या है, नया नया चीज़ खाना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि कौन तारीफ़ करता है, सच्चा है या झूठ है। सेवर के नीचे, बिल्कुल नीचे ये आइसक्रीम बार है, तो आइसक्रीम यहाँ के बहुत ज़्यादा मज़े के थे, बहुत ज़्यादा मज़े के, और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए कि इस्लामाबाद सेंटोरियस मॉल में मैंने खाई है तो वो बहुत महंगी है और उसका जायका इतना मज़े का नहीं है। पर यहाँ बहुत मज़े की आइसक्रीम है जो बिल्कुल उसके नीचे है, जब लोग ऊपर चढ़ते हैं ये आ जाता है, या ऊपर से उतर के। तो हमने आइसक्रीम ख़रीदी, तो आप लोग ये देख सकते हो, ये इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा है सेवर की, और नीचे आइसक्रीम बार की बहुत ज़्यादा, इसकी फ़र्श, इसकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ़ है, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं था। ये आप लोगों की बहन के गाड़ी में तरीक़ा होता है बैठने का, तो गाड़ी में वो कि पता नहीं चलता कि ये नीचे जा के फिर कई बार भी निकलेगी, कपड़े मेरे सारे इकट्ठे हो गए थे, इस्त्री उसकी टूट गई थी। तो ये आप लोग देख सकते हो बाहर की एरिया, ब्लू एरिया इस्लामाबाद की, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। पर सेवर 10 में से 2 मैं नंबर दे सकती हूँ, इसलिए कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ना मेरे बच्चों को अच्छा लगा है, और जिनको अच्छा लगता है, हो सकता है अच्छी लगती हो, इसलिए कि मैं फिर भी कह सकती हूँ कि उनको
अच्छे उन्होंने कभी राइस बिरयानी या कहीं घर में ऐसे तड़के वाले चावल नहीं खाए होंगे, इसलिए सारे कहते हैं या झूठ बोलते होंगे वीडियो बनाने के लिए कि सेवर बहुत ज़बरदस्त है। सेवर में कोई ज़बरदस्त बात नहीं है, उसमें सिर्फ शामी कबाब की टिक्कियों में जायका था और ना चावल में और ना रोस्ट में। रोस्ट बिल्कुल हड्डी थी, एक लेग पीस था जो मेरी हस्बैंड को मिला था तो वो सही था कि उसमें बोटी थी, और चिकन बिल्कुल सारी हड्डियाँ थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये आइसक्रीम बहुत मज़े का और इसकी प्राइस भी बहुत कम थी। तो ये आप लोग देख सकते हो, ऊपर प्राइस भी आ रही है साथ साथ, जो भी लेनी होगी तो वो इधर ऊपर प्राइस भी लिखी होती है। हमने यहाँ से ली है, बहुत सफाई थी और बहुत मज़े का जायका आइसक्रीम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना और इस छोटे से बच्चे के लिए माशाल्लाह ज़रूर कहना। अल्लाह हाफिज़।